वेलकम टू द लॉजिकल टॉप। सोलार सिस्टम, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर आई होगी, या फिर ऐसी। हम सभी लोग सोलार सिस्टम के बारे में बचपन से पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर हमने कई सारी वीडियोस, कई सारी पिक्चर्स देख रखी हैं। लेकिन जब भी कभी आपने सोलार सिस्टम की पिक्चर या फिर कोई वीडियो देखी होगी तो आपने सोलार सिस्टम को कुछ ऐसा देखा होगा। लेकिन जैसा आप सोलार सिस्टम को इमेजिन करते हैं या फिर जैसा आप सोचते हैं कि वो रियलिटी में होगा इन पिक्चर्स की मदद से या फिर इन वीडियोस की मदद से, सोलार सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप इन वीडियोस और इन पिक्चर्स में देखते हैं। वेलकम टू मिनट साइंस एपिसोड नंबर 11। मिनट साइंस एक वीडियो सीरीज है जिसमें मैं आपको एक छोटे से साइंस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ एक या दो मिनट में। तो शुरू करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि बिग बैंग से ही इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन हुई है। अनलेस एंटिल आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं और आप ये नहीं मानते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, तब बिग बैंग से ही इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब बिग बैंग हुआ था तभी से ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, यानी कि ये यूनिवर्स फैल रहा है, ये यूनिवर्स बड़ा हो रहा है। और यूनिवर्स के एक्सपांड होने का कॉन्सिक्वेंस ये है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, वो सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। और इसीलिए नियर फ्यूचर में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी, जहां हम रहते हैं, वो दोनों गैलेक्सीज कोलाइड कर देंगी, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ रही है और इसीलिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रही है। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी करीब करीब 800,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रही है और मिल्की वे गैलेक्सी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी इतनी ही स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, इंक्लूडिंग आर सोलार सिस्टम। और इसीलिए सोलार सिस्टम ऐसा नहीं बल्कि रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है। और यही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट इमेजिनेशन है हमारे सोलार सिस्टम की जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है और यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक या फिर इस वीडियो को शेयर या फिर इस वीडियो में कोई कमेंट कर सकते हैं तो इस चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।